Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पिज्जा डाइट में कैसे खा सकते हैं, और वो भी बहुत ही हेल्दी पिज्जा बनने वाला है, जो कि आप डाइट कर रहे हैं तब भी खा सकते हैं. आपका कोई वेट नहीं इंक्रीज करेगा, ये कोई कुछ नहीं करेगा. आप कभी भी जब मन आप कब करे ना पिज्जा खाने का, आप इसको तब बना के खा सकते हैं. तो देखो हेल्दी पिज्जा कैसे बनता है, जो कि आप कभी भी खा सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारी दाल रेडी है पिज्जा बनाने के लिए. अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, हल्का सा डाल देते हैं इनो, और थोड़ी सी बिल्कुल डालने वाली हूँ मैं इसमें काली मिर्च, ताकि जो मतलब पिज्जा का हमारा बेस है उसमें भी थोड़ा टेस्ट रहे, वो बिल्कुल टेस्टलेस ना हो. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. फ्लफी बनेगा क्योंकि हमने इनो डाल दिया है, तो बिल्कुल फ्लफी बनेगा ये. इसको हल्का सा फेंट लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी एयर आ जाए. दो से तीन मिनट तक फेंट लेना इसको, थोड़ा सा एयर हो जाए इसमें. ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी है. मैं इसको पैन को गरम कर लेती हूँ पहले, गरम करके फिर इसको ग्रीस करेंगे, और ग्रीस करके फिर इसमें बनाएंगे पिज्जा. तो अभी ये गरम हो रहा है, गरम हो जाने देते हैं इसको, दो मिनट के लिए रुकते हैं. इतना अपनी सब्जी वगैरह चॉप कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा हो चुका है रेडी, पैन बिल्कुल रेडी है हमारा, और अब हम इसको ग्रीस करेंगे. मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ घी से. अब देखो अगर आप देसी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इंडियन तड़का तो लगेगा ही लगेगा. तो ये मैंने ग्रीस कर दिया इसको, और इसको मैं बिल्कुल सिम कर दूँगी एकदम से. इधर हमारा पैन रेडी है, तो पैन पर डालते हैं बैटर को. पैन को बिल्कुल सिम कर लेंगे और बैटर को डालेंगे पैन पे, और इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से. ठीक है, अब ना एक चीज और होती है इसमें. देखो जो मूंग दाल का पिज्जा होता है वो दो तरीके से बनता है. एक तो आती है उसमें अपर वाली टॉपिंग, जिसपे हम ऊपर टॉपिंग करते हैं इसके, और दूसरी इसमें आती है एक अंदर वाली टॉपिंग, जिसमें इसको कटिंग करके इसके अंदर टॉपिंग की जाती है. ठीक है, तो दो तरह की टॉपिंग होती है इसमें. आप कैसी करना, आज मैं करने वाली हूँ अपर वाली जो ऊपर होती है टॉपिंग, लेकिन इसके अंदर वाली भी मैं आपको एक बाद में करके दिखाऊंगी, जिसको मूंगलेट भी बोलते हैं, और वो भी बहुत टेस्टी होता है. तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, वो बहुत टेस्टी बनता है. इसको मैं ढक दे रही हूँ, अभी ढक के पकने देती हूँ इसको, ये आराम से पक जाएगा. उसके बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे और फिर इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे. तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ कट गई, मैंने थोड़ा सा पनीर भी मैरिनेट कर दिया अच्छे से, मतलब इसमें मसाला वगैरह डाल के और सब कुछ डाल के कर दिया रेडी. अब मैं देखो क्या क्या करने वाली हूँ. अभी मैंने ये कढ़ाई गर्म कर ली, अपना जो पिज़्ज़ा बनाएंगे वो हम बनाएंगे कढ़ाई में, और ये हमने रखा कढ़ाई में पिज़्ज़ा अपना, जो कि हमारा मूंग दाल का है. तो अब हम इस पर लगाने वाले हैं अमूल चीज़ स्प्रेड. ये आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैं फिर भी थोड़ा सा लगा दे रही हूँ, क्योंकि चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा का कोई काम नहीं है यार. देखो थोड़ा बहुत तो चीज़ लगाना पड़ेगा ना. ठीक है, अभी हमने ये लगा दिया इस पर चीज़, ये लग गया चीज़. अभी हम लगाएंगे पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस. ये मैंने छोटे छोटे पाउच मंगाए हुए हैं, जो कि मैं कभी कभी सैंडविच में या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे बनाने में यूज़ कर लेती हूँ. तो ये हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस. तो देखो भाई, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं लगेगी तो पिज़्ज़ा कैसे बनेगा. ठीक है, ये इवन घर पे भी बन जाती है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इसके लिए. आप चाहो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बता दूंगी कैसे बनती है, बट मैं रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ.
ये हमारी लग गई पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसके बाद हम लगाएंगे, अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा डाइस चीज़, इसको चीज़ी बनाने के लिए पिज़्ज़ा को। ये हो गया हमारा डाइस चीज़। इसके बाद हम रखेंगे वेजिटेबल्स इसमें, एक्चुअली यही चीज़ होता है मोज़रेला चीज़, तो सही से मेल्ट हो जाइए। अब मैं पहले लगा रही हूँ इसमें कैप्सिकम, अब मैं इसमें लगा रही हूँ टोमेटो, और फिर रखूँगी मैं इसमें अनियन, और फिर उसके बाद हम लास्ट एक और चीज़ रखेंगे जो हमने मैरिनेट किया है पनीर वो, देन हम इसको थोड़ा सा इसी में बेक होने देंगे बिल्कुल सिम पे। ये हमने लगा दिया टमाटर, अब हम लगाएंगे पनीर, ये लग गया अनियन, अब हम लगाएंगे इसमें पनीर, तो ये गया इसमें पनीर, ये लग रहा है बिल्कुल पेपे पनीर पिज़्ज़ा, ये लग गया पनीर अभी, और इसके ऊपर डालेंगे अब हम ओरिगैनो और चिली फ्लेक। ओरिगैनो तो देखो पिज़्ज़ा में डलता है, चिली फ्लेक बहुत से लोग खाते हैं बहुत से लोग नहीं खाते, जैसे कि मैं खाती हूँ मेरे हस्बैंड नहीं खाते, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, बट ओरिगैनो डाल देंगे हम, और उसके बाद इसको सिम करके पका लेंगे। इसको मैं ढक रही हूँ, अब ये पकता रहेगा 10-15 मिनट, उसके बाद फिर हम इसको खाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, यमी एकदम, मतलब बढ़िया पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल से उफान हुआ है पिज़्ज़ा, ठीक है, फैल गया पूरा। और अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, जो निकल जाएगा साइड में उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम देखो ये देखो एकदम गर्मा गर्म पिज़्ज़ा है, और इसको हम निकाल के इससे इस पर डाल देंगे, क्योंकि इसका चीज़ पूरा मेल्ट हो गया है, ठीक है, वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक गई हैं अब, और इसको भी हम निकाल के अच्छे से इस पर डाल देंगे। तो चीज़ जैसे ही मेल्ट होगा ये फैलने लगेगा, तो वो इस वजह से हुआ है थोड़ा बहुत, और वो होगा भी। ये देखो पिज़्ज़ा, हाँ लाइट सही नहीं आ रही है, ये देखो पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्ट ही हमें पिज़्ज़ा बनाया, टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसा बनाया। ये देखना डोमिनोस मंगाएगा ऐसा तो खैर आप पहले ये देख के बताओ ये असल में पिज़्ज़ा लग रहा है या नहीं, ध्यान से देखो तो लगता है, मसाला मसाला बहुत डाल, तो अब खा के बताओ कैसा है, नॉर्मल पिज़्ज़ा जैसा है या फिर उससे टेस्टी है या कैसा है? मेरा वजन बढ़ाया नहीं, वजन नहीं बढ़ेगा इससे, ये दूसरे टाइप का पिज़्ज़ा है, वजन बढ़ाने वाला पिज़्ज़ा नहीं है, ये मैदे वाला पिज़्ज़ा ही नहीं है। बहुत गर्म है, ये हेल्दी पिज़्ज़ा बनाया मैंने, अब आप टेस्ट करके बताओ कैसा है। यार ऐसे नहीं खाना, वाओ क्या मस्त हुआ है ना, कैसा लगा? अच्छा है, ओनली थिंग इज बेस का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि डोमिनोज का बेस थोड़ा ड्राई होता है, और ये बेस मूंग दाल का है, ये बेस जो है इसका टेस्ट आ रहा है, तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि डोमिनोज का होता है मैदे का, और ये हमने बनाया मूंग दाल का, और ये सच में पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, मैं भी देखती हूँ खा के। ऊपर टेस्ट कीजिएगा ये पूरा, और नीचे का? नीचे का मूंग दाल वाला है। ओके अच्छा लगा, अच्छा लगा, देखती हूँ खा के अब कैसा बना है।
भाई बेस का जो टेस्ट आता है ना डोमिनोज में वो पता चलता है मैदा है, नहीं इसका जो टेस्ट आ रहा है ना इसमें बेस का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब ये नहीं है वो होता है बेस टेस्ट प्लस, ठीक है वो मैदा लगता है मुँह में, ऊपर का टेस्ट बड़ा लगता है लेकिन इसमें नीचे का भी मतलब इसका बेस का भी टेस्ट है। तो भाई हमें तो मजा आ रहा है खा के, आप बनाओ और खाओ और फिर मुझे बताना आपका कैसा बना है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।